आप लोग उनसे पूछे कि आप हमारे वो गारंटी कार्ड नहीं, आपके 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बताइए, आप करे क्या है हमारे लिए बोलकर। 3-4 ऐसे औरतें रहते हैं और 3-4 ऐसे गुत्तेदार रहते हैं जिनको उन्होंने मदद पहुंचाने का काम करते हैं, और उनकी रोजी रोटी मैडम से जो चल रही है वो उनके घर पल रहे हैं। आसिर उस्ताद साहब जैसे ही MLA बनेंगे उनका एक जो है डिपार्टमेंट सेपरेट, MLA का एक दफ्तर होना। अब मोहतरमा गणेश फातिमा साहिबा का दफ्तर कहाँ है मालूम है आपको? मोहतरमा गणेश फातिमा साहिबा 5 साल में सिर्फ वादे किए और हत्या के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वक्त भी बोले कि जो आपको साफ पानी देंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। पानी को साफ करके फिल्टर बिठाकर जो है आप तक पानी पहुंचाया गया, वो लोगों के पास हो रहा है। गुलबर्गा साउथ में, गुलबर्गा नॉर्थ में एक भी ऐसा फिल्टर नहीं लगा, RO प्लांट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हम आप लोग पानी साफ पानी पी सकें। तो ये सबसे बड़ी जो बीमारियों की वजह है, जो जड़ है, वो पानी के जरिए आती है। और पानी अगर आपको साफ नहीं मिल रहा है तो जो है उसके कसूरवार कौन है? मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा 5 साल में सिर्फ वादे किए और हत्या के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वक्त भी बोले कि जो आपको साफ पानी देंगे। आप लोगों के पास आएंगे भी तो आप लोग उनसे पूछे कि आप हमारे वो गारंटी कार्ड नहीं, आपके 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बताइए, आप करे क्या है हमारे लिए बोलकर। अब नासिर उस्ताद साहब आपसे आपके सामने एक बात बोले कि लोन्स हुकूमत से दिए जाते हैं, कॉर्पोरेशन से भी लोन्स मिलते हैं, और हम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसके जरिए श्रम शक्ति लोन और कई ऐसे लोन्स हैं जो गरीब लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी MLA की रहती है। नहीं, हाँ आप अगर दे भी दिए वहाँ पे हमारे को, हम लोन डाले हैं, हजारों तादाद में लोन के फॉर्म वहाँ पे दाखिल होते हैं, कहाँ डिपार्टमेंट में। अब उसके बाद बोलते हैं आपको कि जो है आप जाओ मैडम की जो है सिग्नेचर लेकर आओ। आप लोग अगर मैडम के पास गए भी तो जो है आपको सिग्नेचर नहीं देते। उन्होंने बोलते हैं क्या कि आप हमारा कोटा खत्म हो गया, सो है हमारे को सिर्फ 10 औरतों को देने का था वो हो गया। दिए किसको वो 10 औरतें? कौन है? अपने आसपास जो इर्द गिर्द जो लोग रहते ना, वो वही आजू बाजू के चंद 3-4 ऐसे औरतें रहते हैं और 3-4 ऐसे गुत्तेदार रहते हैं जिनको उन्होंने मदद पहुंचाने का काम करते हैं, और उनकी रोजी रोटी मैडम से जो चल रही है वो उनके घर पल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है बोलते रहते हैं कि मैडम का साथ दियो, मैडम का साथ दियो बोल के। अब आपके सामने गारंटी कार्ड आया, गारंटी कार्ड की कोई हकीकत नहीं है जब तक कि हुकूमत नहीं बनती। मैडम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिवाय वादे के कुछ और नहीं है। अब हमारे तरफ से नासिर उस्ताद साहब अभी आपके सामने बोले कि उन्होंने 5,000 आपको रोजगार देते, उसके अलावा 5,000 घर की जो बड़ी खातून है, घर की जो बड़ी औरत है, उसको 5,000 उसके खाते में, उसके अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा 5 सिलेंडर का अभी कल ही जो है ऐलान हुआ कि 5 गैस के सिलेंडर आपको फ्री मिलेंगे, आपके जो कार्ड हैं राशन कार्ड के ऊपर वो फ्री मिलते हैं। अब अम्मा बोले राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड और आधार कार्ड और ऐसे जितने भी कार्ड्स की सहूलत के लिए जो है इंशाअल्लाह नासिर उस्ताद साहब जैसे ही MLA बनेंगे उनका एक जो है डिपार्टमेंट सेपरेट, MLA का एक दफ्तर होना। अब मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का दफ्तर कहाँ है मालूम है आपको? कहीं अगर आपको परेशानी है तो किधर जाना? उनके घर कुछ जाना, घर से वापस घर, घर घर नहीं होना, MLA का दफ्तर होना, और MLA का दफ्तर रहकर भी वो ताला लगे हुआ है उनके दफ्तर को, उन्होंने जाते नहीं वहाँ पे और ना उनका कोई बैठता वहाँ पे। यहाँ पर नासिर उस्ताद साहब आपके लिए जो है एक दफ्तर भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह गुलबर्गा नॉर्थ में ये जो इलाका है यहाँ पर आप लोगों के जो मसलों को हल करने के लिए आप लोग अगर आधार कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो उधर जाना, कॉरपोरेशन जाना, नहीं तो वो निमिति केंद्र जाना। इंशाअल्लाह यहीं पर आपके इलाकों में गुलबर्गा नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों को जो है वो ऐसा एक सेंटर बना के देंगे जहाँ पर आप जाकर गुलबर्गा वन में जाकर जो है आप आधार भी अप्लाई कर सकते हैं, राशन भी, राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब तमाम तर जो हुकूमत के सहूलतें हैं जिसको सकला के जरिए दिया जाता, वो सहूलतें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।